नहीं था वैसे तो, पर जो क्वेश्चन थे बहुत टिपिकल थे और स्टडी मटेरियल से कुछ नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत ही था। तब तो लग रहा था 60 अब आराम से आएंगे, कहीं नहीं गए और यहाँ पे आके रियलिटी चेक्स देते हैं। नमस्कार दोस्तों, CA इंटरमीडिएट का आज तीसरा पेपर कोस्टिंग का हुआ है और देखिए मेरे पीछे से स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं इस समय सेंटर से, और उन्हीं से जानेंगे इस पेपर में क्या रहा खास, क्या कवरेज रही और कैसा पेपर आया है ये कोस्टिंग और FM का। अभी स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं तो उन्हीं से रिव्यू आपके साथ साझा करेंगे। तो भाई साहब कैसा रहा कोस्टिंग और FM का पेपर? बढ़िया बढ़िया रहा। कवरेज कैसी रही? कवरेज पूरी, क्या नाम है, ऑलमोस्ट एक आधा चैप्टर नहीं आया, बाकी तो पूरा एक आधा चैप्टर जी। अच्छा, और बाकी स्टैंडर्ड कोस्टिंग वगैरह का क्या रहा? स्टैंडर्ड कोस्टिंग सब बढ़िया था, नॉर्मल मटेरियल वेरिएंसेस वगैरह आए। ओके ओके, कोशीट वगैरह से कैसा क्वेश्चन रहा है? कोशीट से बहुत ईजी रहा है इस बार, तो इस बार पेपर ओवरऑल काफ़ी ईजी था। ईजी पेपर रहा है? ओके, चलिए थैंक यू। बस स्टडी मटेरियल से कैसी कवरेज रही है पेपर की? पूरी कवरेज स्टडी मटेरियल से ही, स्टडी मटेरियल से ही है। और नहीं थी मैडम कुछ कहना चाहेंगी स्टडी मटेरियल के बारे में? स्टडी मटेरियल से कुछ नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत ही था। ओके, और जो ये मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह MTP या RTP वगैरह से हमने करे ही नहीं थे। अच्छा, वो करे ही नहीं है, तो RTP से और उससे भी पता नहीं है, लेकिन स्टडी मटेरियल से पेपर नहीं आया है? कम आया है। कम आया है। बस कैसा रहा पेपर? पेपर सही था। कैसे कवरेज कैसी रही है पेपर में? कवरेज सही थी, अच्छी रही, अगर बच्चे को आता हो तो। आप बताइए पेपर में क्या हुआ है, मतलब कैसा रहा कोस्टिंग का पेपर, कोशीट स्टैंडर्ड वेरिएंट? नहीं सही था वैसे तो, पर जो क्वेश्चन थे बहुत टिपिकल थे और मतलब घुमावदार से थे, जो समझ नहीं आ रहे थे, मतलब डायरेक्ट तरीके से नहीं पूछे गए क्वेश्चन? डायरेक्ट नहीं था कुछ भी, डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा गया। ओके हाँ जी सर, अच्छा पेपर था, कॉन्सेप्ट सेम थे पर क्वेश्चन बुक वगैरह के नहीं थे, क्वेश्चन अलग थे पर कॉन्सेप्ट सेम, मतलब स्टडी मटेरियल से जैसे क्वेश्चन पढ़कर आए हो वैसे क्वेश्चन आपको नहीं मिले? कॉन्सेप्ट सेम थे, क्वेश्चन थोड़े अलग, कॉन्सेप्ट सेम थे, तो वो तो ऑब्वियस बात है CA का पेपर है। हर बार थोड़े बहुत क्वेश्चन सेम भी आते हैं, एक दो सेम वर्डिंग में, वो ऐसा नहीं था। अच्छा ऐसे नहीं रहे, मतलब अच्छा था पेपर। अच्छा, तो ओवरऑल तो कैसा हम कहोगे इस पेपर को, अगर मैं 10 में से मार्क्स देने को कहूँ तो कितने दोगे? 7.5 और 7। आप लोग क्या कहेंगे? लॉ और अकाउंट से बहुत बेटर था, बहुत बेटर था, लॉ और अकाउंट से बेहतर था। लॉ के पेपर को भी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि बहुत आसान आया है। आसान था पर पेपर ऐसा है कि जो ICAI का ट्रेंड है ना, उससे इस बार पेपर डिफरेंट था, अकाउंट्स और लॉ का कंपैरेटिवली। कॉस्ट का पेपर ICAI मॉड्यूल से भी था, थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली। लॉ के लिए स्टूडेंट्स ने कहा केस स्टडी बेस्ड पेपर आया था लॉ का, लेकिन ये ट्रिकी था थोड़ा सा। हां जी हां, लेकिन यहां डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, घुमा कर नहीं, बहुत रिपीटेटिव है। ओके, ICAI मॉड्यूल से बनाया हुआ है पेपर काफी। चलिए और भी लोगों से राय जानते हैं तो उनके बीच में भी चलते हैं। हाँ जी बॉस, आप बताओ कोस्टिंग का पेपर कैसा गया है? सही आया था। सही आया था? सही का मतलब क्या मानूँ, आपके लिए सही या पेपर सही? नहीं, पेपर ठीक था, मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं है ज्यादा बुरा भी नहीं है। ज्यादा बुरा भी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आए हैं। हाँ, एक दो ट्रिकी क्वेश्चन। कोशीट का क्वेश्चन कैसा लगा आपको? हाँ जी, कोशीट इजी था, कोशीट इजी था। और स्टैंडर्ड वेरिएंट से जो क्वेश्चन आए हैं? स्टैंडर्ड वेरिएंस का भी आया है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का आया है क्वेश्चन। हाँ, वो है कि आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और मटेरियल से भी क्वेश्चन पूछा गया? मटेरियल लगभग हर चैप्टर से, हर चैप्टर से पूछा गया, मतलब ओवरऑल कवरेज रखी गई है 90% के आसपास की कवरेज थी कोर्स की। स्टडी मटेरियल के लिए क्या कहेंगे? स्टडी मटेरियल अगर आपने एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन सारे पढ़ रखे हैं, क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आपको लगभग लगभग पूरा पेपर आ सकता है, एक्सेप्ट जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्वियसली डिफॉल्ट है। हाँ हाँ, टू मतलब कि हायर रैंकर्स को पढ़ने के लिए, बाकी सारा पेपर एवरेज मतलब कर सकते हैं बच्चों से। चलिए थैंक यू। हाँ, कैसा रहा पेपर? पेपर ईजी था। ईजी था पेपर? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं पेपर ईजी था और कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर ट्रिकी था। पेपर ट्रिकी था, ट्रिकी था, ट्रिकी था, लॉजिकली। इसका मतलब तुम पढ़कर नहीं आए हो? नहीं, मैं पढ़ के आया हूं, आई विल आल्सो रीड। पेपर इजी था, मतलब ये था कि लेंथी बहुत था, जितनी जल्दी हम स्पीड बढ़ाते जिस हिसाब से कैलकुलेशन थी। ओके, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि पेपर लेंथी था और छूटा बहुत है? मेरे पेपर छूटा है। अच्छा, पेपर छूट गया? पेपर छूट गया है। तो बताओ कोस्टिंग के पेपर के बारे में क्या कहेंगे?
कॉस्टिंग का पेपर बहुत आसान था, जो बंदा मतलब अगर प्रॉपरली पढ़ के गया हो, बेसिक्स भी पढ़ के गया हो तो भी पास। क्योंकि बच्चों का कहना है जो अभी रिव्यू लिए जा रहे हैं कि पेपर ट्रिकी आया है, लेंदी आया है, क्या लेंदी था लेकिन ट्रिकी नहीं बोल सकते। अच्छा ट्रिकी नहीं बोल सकते, मतलब आसान था, एवरेज पेपर रहा है। अब सीए के एग्जाम में अगर एक दो पॉइंट्स घुमाने वाले नहीं देगा तो फिर सीए है ही किस लिए ना। यही बात मैंने उन लोगों को बोली है, वही बात है। तो आसान पेपर था, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो बंदा पढ़ के आया है, ठीक से पढ़ के आया, बेसिक अच्छे से उसे क्लियर है, वो बंदा ऑब्वियसली पास होना चाहिए। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वैसे आपको रिव्यूज क्या मिल रहे हैं, कि आसान था कि हार्ड था? वैसे आसान था, हार्ड था? आसान था। हाँ जी बताइए, पेपर कैसा रहा? ठीक था, पेपर काफी अजीब सही था मेरे। अजीब था? आरटीपी में दिखाते कि इजी इजी है और पेपर दिखा देते बिल्कुल ही हाई लेवल का। पेपर हाई लेवल, मतलब आपके हिसाब से हाई लेवल है? आप अगर आरटीपी करके जाओगे, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर आरटीपी का उठाओगे क्वेश्चन, तो आपको लगेगा ये तो चुटकियों का काम है। 5 मिनट में, मतलब घर पर बैठकर जब हमने आरटीपी की तो वहाँ पर तो आसानी से हो गए क्वेश्चन। हाँ, मतलब तब तो लग रहा था 60 अब आराम से आएंगे, कहीं नहीं गए। और यहाँ पे आके रियलिटी चेक देते हैं लोग। नहीं, एक बात बताइए, आप कोस्टिंग के पेपर में भी अगर कहते हैं मैं 60 की तैयारी करके आऊंगी, 60 में हमें एग्जेम्पशन मिलती है, 60 अगर हमारे आते हैं तो हमें वो दोबारा पेपर नहीं देना पड़ता, वो ठीक है। हाँ, तो जो बच्चे 90 अबव करता है वो 60 की सोच के चलता है। अच्छा, 60 की सोच कर चलते हैं। हाँ, मतलब पढ़ना तो 90 के लिए था ना? हाँ जी, हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा था। मतलब क्वेश्चन पेपर थोड़ा टेक्निकल बेस था, मतलब इजी था वैसे तो, लेकिन बस थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट्स थे। का पेपर है, देखिए टेक्निकल बेस तो कुछ पॉइंट्स थे जो थोड़े थोड़े ट्रिकी थे, बस उनको सॉल्व कर लो तो बहुत इजी कंप्यूटेशन थी। क्योंकि क्वेश्चन का पेपर एक लॉजिकल बेस्ड पेपर होता है। स्टार्टिंग के अगर कॉस्ट शीट की मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट थे वो थोड़े ट्रिकी थे, अगर उनको सॉल्व कर लो तो पूरी कॉस्ट शीट इजी थी, फिर इजिली हो गए क्वेश्चन सारे ही ऐसे ही थे। कॉस्ट शीट हो गई, स्टैंडर्ड वेरिएंस हो गए, मटेरियल हो गया, मटेरियल भी हो गया था सारे ही। और उसके अलावा एबीसी एनालिसिस आया। हाँ, एबीसी एनालिसिस भी इजी था क्वेश्चन, बहुत ही इजी था, ज्यादा टफ नहीं था, हो गया। अभी के लिए हमने रिव्यू लिए, और क्या रिव्यू रहे आप लोगों के, तो आप लोग भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। तो आज के इस पेपर के लिए बस इतना ही, अगले पेपर में अगले रिव्यू के लिए एक और नए सेंटर पर हम आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू।